आपका मंथली मोबाइल फोन बिल जून तक नहीं बढ़ेगा, इस बात की बड़ी संभावना है। वोडाफोन आइडिया यानी कि VI अपना टैरिफ रेट बढ़ाने का फैसला जून तक के लिए टाल सकती है। टेलीकॉम कंपनियों ने पहले अपनी दरें इसी तिमाही में बढ़ाने की योजना बनाई थी, परंतु अब जून तक टेलीकॉम कंपनियों के प्लान्स की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बता दें कि रिलायंस जियो ने हाल ही में जियो फोन की यूजेज कॉस्ट को 25% घटा दी है। जियो ने यह कदम अपने 4G ग्राहकों की संख्या में आ रही गिरावट को थामने और बाकी 30 करोड़ फीचर फोन यूजर्स को अपने नेटवर्क में लाने के लिए यह कदम उठाया है। बता दें कि अब भारतीय एयरटेल भी टैरिफ हाइक पर अपने कदम रोक लेगी, इस बात की पूरी संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के बारे में योजना बना रही है। कंपनी के सूत्रों के मुताबिक यह रकम नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी कि NCD बेचकर जुटाई जा सकती है। कंपनी ने पहले विदेशी फंडों को हाइब्रिड सिक्योरिटी बेचकर 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई थी, परंतु कंपनी ने बाद में इस योजना को छोड़ दिया। अब कंपनी 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही थी, परंतु अब VI कुछ महीने और रुकने का फैसला किया है। टैरिफ हाइक अब नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अंत में हो सकता है, यानी कि जून के बाद अब वोडाफोन आइडिया अपनी प्लान्स की कीमतें बढ़ाएगी। रिलायंस जियो द्वारा जियो फोन के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए ऑफर ने 25-30% तक की टैरिफ हाइक को रोक दिया है। कंपनी के MD और CEO रविंद्र टक्कर ने कहा था कि सही वक्त आने पर वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ की कीमतें जरूर बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि वे किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ाना बहुत ही जरूरी हो गया है। एनालिस्ट मानते हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया टैरिफ नहीं बढ़ाएगी तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय एयरटेल भी टैरिफ हाइक पर अपने कदम रोक लेगी। एयरटेल ने साफ कर दिया है कि टैरिफ बढ़ाने की पहल वह पहले नहीं करेगी, लेकिन अगर बाकी कंपनियां टैरिफ हाइक करती है तो वोडाफोन आइडिया भी अपने प्लान्स की कीमतें जरूर बढ़ाएगी। बहरहाल वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल का टैरिफ हाइक जून तक टल गया है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।